लैंड ट्रांसपोर्ट यानी स्थल परिवहन। तो स्थल परिवहन में हम पढ़ेंगे आज रोडवेज के बारे में, यानी सड़क परिवहन के बारे में। भारत विश्व की सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है, यानी भारत में जो सड़कों का जाल है एक बहुत बड़ा नेटवर्क है भारत में, यानी भारत विश्व की में जितने भी सर्वाधिक सड़क जाल वाले जो देश है उनमें से भारत भी एक देश है, यानी इसका भी जो सड़क का जो नेटवर्क है बहुत बड़ा है। तो जो सड़क परिवहन है रेल परिवहन की अपेक्षा उसकी डिमांड ज्यादा है, उसके कई कारण है, क्योंकि रेल जो परिवहन है ये भी स्थल परिवहन का एक टाइप है, लेकिन सड़क परिवहन की डिमांड जो है ना रेल परिवहन की अपेक्षा ज्यादा है, उसकी महत्ता ज्यादा है। क्या कारण है कि सड़क परिवहन की महत्ता ज्यादा है? ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ओवर रेल ट्रांसपोर्ट, यानी रेल रोड ट्रांसपोर्ट की इतनी डिमांड क्यों है, उसके पीछे कई कारण है, आज हम वही पढ़ेंगे। पहला है सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है, यानी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आर मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन्स। अब हम जब सड़कों को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और जो एक रेलवे लाइन्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उनके कंपैरिजन में जो रेलवे लाइन्स को कंस्ट्रक्ट करने का जो खर्चा आता है यानी लागत आती है वो बहुत ज्यादा होती है, और सड़कों की जो निर्माण लागत तो रेलवे लाइन्स की लागत से कम आती है, इसलिए सड़कों के निर्माण पे ज्यादा मतलब सड़कों की जो इम्पोर्टेंस है इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसकी कॉस्ट कम पड़ती है। इसलिए जहां पर ज्यादा कॉस्ट पड़ती है रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करने की तो वहां कोशिश की जाती है कि सड़कों का निर्माण हो, ठीक है। दूसरा कारण क्या है? अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ गए विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। अब जो सड़कें होती हैं आपको आप देख सकते हो कि सड़कें जो होती है वो किसी भी उबड़ खाबड़ जगह पर सड़कें बनाना आसान होता है, रेलवे लाइन बनाना मुश्किल होगा वहां पर। और विच्छिन्न भूभाग हो यानी इस तरह की जो सड़कें होंगी जो लाइक वेव टाइप होती हैं, लहरों टाइप होती हैं, ऊंची नीची सी इस तरह की सड़कों पर इस तरह की जगहों पर सड़कें बनाना ज्यादा आसान होगा, रेलवे लाइन बनाना ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। इसी कारण से इन जगहों पर सड़कें बनाई जाती है, रेलवे लाइन्स नहीं बनाई जाती, तो इसलिए सड़कों की सड़कें जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रेलवे लाइन्स के कंपैरेटिव में। तीसरा है अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। तो रोड कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स और स्लोप्स एंड एज सच कैन ट्रेवर्स माउंटेन सच एज हिमालय। अब जैसे बहुत ऊंची जो स्लोप वाली जगहें होती है, स्लोप वाली जैसे हिमालय बहुत ऊंचे हैं, वहां तक भी अगर हम सोचे रेल लाइन्स बिछाएं तो रेल लाइन्स को तो सोचना ही बहुत मुश्किल है, वहां पर रेलवे लाइन्स तो हम बिछा ही नहीं सकते जो ऊंची ऊंची हिमालय की चोटियां हैं, जो तो हम जो ऐसी ऊंची जो हिमालय जो माउंटेन रेंजेस होते हैं जो स्लोप वाले एरिया होता है वहां पर हम सड़कें जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वहां उसके बारे में तो सोच सकते हैं लेकिन हम रेलवे लाइंस के बारे में नहीं सोच सकते। तो अधिक ढाल प्रवणता और पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें निर्मित की जा सकते हैं, रेलवे नहीं की जा सकती, ठीक है। चौथा अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्य ही है, यानी जैसे अब आप सोचो कि अगर जो रेल है चार लोगों को लेकर जा रही है और थोड़ा सा ही सामान लेकर अगर रेल लेकर जाएगी तो उसको आने जाने की जो कॉस्ट पड़ेगी वो तो उतनी रहेगी चाहे वो ज्यादा लोगों को लेकर जाए चाहे कम लोगों को लेकर जाए, तो कम लोगों के लिए वो बहुत जो होती है ना महंगी पड़ जाती है जो रेलवे लाइन्स को चलाना। तो कम व्यक्तियों को और कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क में तब्दील होती है यानी उसकी कॉस्ट कम पड़ती है, इकोनॉमिकल होती है। पांचवा है कि ये घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामान उतारने व चढ़ाने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। अब जो रोड्स होता है आप देखते हो कि जैसे अमेजोन की डिलीवरी है, आप कोई भी अमेजोन या ऑनलाइन डिलीवरी मंगाते हो तो वो लोग ज्यादातर बाइक्स पे आते हैं और वो रोड ट्रांसपोर्ट का रोडवेज का यूज करके आपके घर तक अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं यानी डोर टू डोर सर्विस, ठीक है। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है आपके घर तक आके सर्विस रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपको सर्विस जो भी मिलती है आपको सेवाएं जो मिलती है वो आपके घर तक मिलती है। दस कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लो, और जो कॉस्ट होती है सामान को लाने ले जाने की वो बहुत कम पड़ते हैं, इसलिए जो ग्राहक होते हैं उनपे भी वो कॉस्ट लाने ले जाने की बहुत कम होती। वही सामान आप शिपिंग के कोई भी सामान आप शिपिंग या किसी और जरिए से मंगाते हैं या ज्यादा सामान जैसे शिप्स के थ्रू आता है तो उनकी कॉस्ट बहुत पड़ती है। तो रोड ट्रांसपोर्ट आपको घर तक सर्विस प्रोवाइड करता है और सामान लाने ले जाने उतारने इन सब की जो कॉस्ट पड़ती है बहुत कम पड़ती है।
इसलिए रोड ट्रांसपोर्ट को रेलवेज या वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू के कंपैरेटिवली ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पतनों को जोड़ती। अब जैसे आपने आपने कहीं पर जाने के लिए एयर टिकट बुक कराई है, तो आप एयरपोर्ट तक जाने के लिए कैसे जाएंगे? आप रोड ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, आप कैब हायर करेंगे, या आपका कोई सामान या कोई बिजनेस जो क्लास है वो अपना कोई सामान शिप्स के थ्रू भेज रही है, तो वो सामान पोर्ट तक कैसे जाएगा? वो रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो एक फीडर का काम करता है, एक लिंक का काम करता है कि लिंक का काम करता है दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए। रेलवे, जैसे रेलवे स्टेशन तक पहुंचना है, एयर ट्रांसपोर्ट तक पहुंचना है या सी पोर्ट्स तक पहुंचना है, तो ये रेल ट्रांसपोर्ट जो एक लिंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए जो रोड ट्रांसपोर्ट है इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। Therefore, there is a growing importance of road transport over other means of other land transport. तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी।